ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ट्रैक्टर किसान का टैंक है कि जब घोषणा होगी तो बॉर्डर के ऊपर नहीं रुकेंगे किसान के ट्रैक्टर, अब की बार संसद में जाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने भिवानी के लहारू में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां भारी संख्या में युवा किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान युवा किसान नेता रवि आजाद भी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। इस मौके पर रवि आजाद ने युवा किसानों के साथ मिलकर ऐलान किया है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा घोषणा करेगा तो MSP की गारंटी कानून के लिए किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं बैठेंगे बल्कि संसद भवन में डेरा डालेंगे। साथियों, जय जवान जय किसान। साथियों, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस पर ये हरियाणा का भिवानी जिले की लोहारू तहसील का गांव है सिंघाणी। गणतंत्र दिवस पर यहां भव्य कार्यक्रम किया गया है और आप देख सकते हैं कार्यक्रम चल रहा और यहां बहुत बड़ी संख्या में युवा किसान ग्रामवासी यहां मौजूद हैं। और जो सबसे बड़ी बात है दिखाने वाली, क्योंकि ये किसान आंदोलन की धरती है, यहाँ 1935 में 35 किसानों की शहादत नवाब की गोली से हुई थी। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किसान आंदोलन में गांव सिंघाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं। और जो दिखाने वाली बात है कि 380 दिन के आंदोलन में केवल 3 कानून वापिस हुए हैं। MSP को लेकर के अभी संघर्ष जारी है। अगर मोदी सरकार ने किसानों से किए हुए वादे और MSP का गारंटी कानून नहीं बनाया तो मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, उनको बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा और RSS, BJP और मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। और जो लोग BJP के ये कहते हैं कि अब किसान बैठ गया, किसान बैठा नहीं है, क्योंकि आंदोलन केवल स्थगित हुआ है। जैसे पिछली साल 26 जनवरी को 5 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान दिल्ली पहुंचे थे, उसी प्रकार से आप नज़ारा देख सकते हैं। यहां सैकड़ों की संख्या में तिरंगे के साथ ट्रैक्टर लगे हुए हैं और ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ट्रैक्टर किसान का टैंक है। और अब की बार किसान का ट्रैक्टर MSP के लिए आंदोलन की जब घोषणा होगी तो बॉर्डर के ऊपर नहीं रुकेंगे किसान के ट्रैक्टर, अब की बार संसद में जाएंगे। हमारे साथ भाई संदीप हैं खरकड़ी बावनाली से, भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता। क्या कहेंगे आप ट्रैक्टरों की तैयारी के बारे में? हमारी ट्रैक्टरों की तैयारी प्रधान जी फुल तैयारी है, और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान होगा, हम जो जो कहते हैं पहले गए थे 26 जनवरी को, वैसे ही माँ के तैयार मिलेंगे आपको। तो साथियों, एक बार जोरदार नारे लगा दो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, जय जवान जय किसान। बता दें कि केंद्र सरकार से समझौता होने के बाद किसानों ने आंदोलन तो स्थगित कर दिया था, मगर जिन शर्तों पर यह फैसला लिया गया था उन्हें सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई है। न तो MSP पर कानून बना है और न ही किसानों पर दर्ज मुकदमे ही रद्द हुए हैं। ऐसे में फिलहाल किसान 31 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, जब सभी जिलों में सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।